मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर वन ले जाना चाहती हो। आज इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, करीब करीब 20% वोटिंग ढाई घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है, देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। मैं आज के लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार पुरजोश वोटिंग कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। आज देश में तीजा चरण मतदान छे। गुजरात नी वधेली 25 से 25 सीटों पर आज मतदान थवानुं छे। हूँ गुजरात नी जनता ने अने विशेष करी फर्स्ट टाइम वोटर ने अपील करवा मांगू छू के भी सरकार माटे आपणे सौ वोटिंग करिए, जे देश ने स्थिरता आपे, सुरक्षा आपे, समृद्ध बनावे, गरीबीनु संपूर्ण उन्मूलन करे अने विकसित अने आत्मनिर्भर भारत नी रचना करे। एक एवी सरकार आपणे चूंटीए जे समग्र विश्वमां दरेक क्षेत्रमां भारत नंबर वन बने, एवी सरकार अने एवा पक्ष माटे आप सब वोटिंग करो एवी मारी आप सबने अपील छे। लोकशाहीना आ महोत्सवमां सौ गुजरातीओ दर वखतनी जेम रंगे चंगे उत्साहथी उमंगथी भारी संख्यामां वोटिंग करे अने अंते आपनुं वोटिंग ज भारतना विजयनुं कारण बनशे એનો મને વિશ્વાસ છે। વંદે માતરમ, ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ।